हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार स्विंग स्टॉक लेके आया हूँ और एक निफ्टी का व्यू, यानी कि टोटल पांच चार्ट एनालिसिस करेंगे जो आने वाले वीक में अगर वो लेवल पे मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो अपने पहले उससे पहले गाइस, अपने हर सैटरडे को मल्टी बैगर स्टॉक का वीडियो डालते हैं, उसमें तीन स्टॉक बताते हैं, आने वाले 3 से 12 महीने के लिए पोजिशन बना के रख सकते हो वीकली चार्ट के ऊपर। तो अगर आप सोच रहे हो अगर कोई अच्छा स्टॉक लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हो। कल अपने सैटरडे को वीडियो डाला था, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। अगर स्टॉक लेना है नहीं लेना वो बात की बात है, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे रोज रेगुलर तो आपको क्या है कि रोज नई नई चार्ट पैटर्न सीखने को मिलेगी, और चार्ट पैटर्न जितनी ज्यादा देखोगे उतना आपको मार्केट में मास्टर हो जाओगे, कि यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल के बाद ऐसा होगा, ये सेटअप के बाद ऐसा स्टॉक भागेगा। तो अगर आपको स्टॉक भले नहीं लेना लेकिन वीडियो देखोगे और वीडियो पूरा देखोगे और समझोगे तो आप मार्केट में से चार्ट ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। इसलिए बोलता हूँ कि जाके वीडियो देख सकते हो गाइस। उसके अलावा जो पहली बार आए तो वो क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इंट्राडे के स्टॉक मिलेंगे, हर संडे को स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक मिलेंगे, उसके अलावा मल्टी बैगर स्टॉक मिलते हैं अपने मंथ के एंड एंड में, यानी कि लास्ट दिन जो महीने का लास्ट दिन होता है वहां पे अपने लेट्स मेक मनी टुगेदर का सीरीज भी चलाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हो। उसमें क्या होता है कि जो ट्रेड बहुत अच्छे मोमेंटम ट्रेड होते हैं 3 से 12 महीने के, वो भी मैं उसमें बताता रहता हूँ अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलते रहेगा। उसके अलावा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइव मार्केट में भी ट्रेड मिलते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसमें भी मैं देता ही रहता हूँ, लाइव मार्केट में अच्छे अच्छे ट्रेड आते रहते हैं। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा निफ्टी का व्यू पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा। तो पहले निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। तो आप देखोगे तो निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके रखा है और निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है, तो ये फ्यूचर का चार्ट नहीं है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेरा व्यू बता रहा हूँ, आपका व्यू मे भी अलग हो सकता है, लेकिन ये मेरा व्यू और मैं जो चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ उसके हिसाब से मैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी का प्रेडिक्शन करूंगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो प्रेडिक्शन किया उसके हिसाब से ही निपटी जाए, लेकिन 80% चांस होता है कि उसके हिसाब से जाती है। अगर स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो निफ्टी के व्यू में क्या हो सकता है वो अपने देख लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो निफ्टी 50 मैंने ओपन करके रखा है, और मेरा व्यू ऐसा है कि निफ्टी में आने वाले वीक के लिए बाय ऑन डिप मार्केट रह सकता है। बाय ऑन डिप यानी कि अभी मैंने एसजीएक्स निफ्टी देखी तो वो 17,050 के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी कि निफ्टी में फ्राइडे को क्या होता है अच्छे से गैप अप ओपन हुआ था 300 350 के वहां पे, उसके बाद क्लोजिंग नीचे आया था 17,180 के आसपास। उसके बाद अभी भी निफ्टी 100-150 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रही है, तो अपने को वो सब देखने की जरूरत नहीं है। निफ्टी यहाँ पे है और अपने चार्ट एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, तो आप डेली चार्ट पे निफ्टी 50 यहाँ पे ओपन करके रखा है देख सकते हो। तो डेली चार्ट में ध्यान से देखो कि तो निफ्टी में क्या है, देखो गाइस चार्ट पैटर्न है वो एक दिन जैसे आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। पहले मैं अपने ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते थे, लेकिन अभी इसको इग्नोर करते हुए अपने दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे उसको 2 दिन का सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे भी उसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया दूसरी बार, और तीसरी बार ये वाला सपोर्ट है, यानी कि 2 से ज्यादा सपोर्ट मिलता है वो ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाते हैं कि वहां से रिवर्स मार्केट के 90% चांस होते हैं। ये मेरा प्रेडिक्शन है और मेरा एनालिसिस है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ से तीसरी सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट मेन होता है, उसके बाद निफ्टी में अभी क्या हो सकता है, निफ्टी ने देखो कि तो रेड कैंडल बना के फ्राइडे को यहाँ पे तो क्लोज दिया है, लेकिन एसजीएस निफ्टी ऐसा बता रहा है कि वो सीधा यहाँ पे खुलेगी, यानी कि 17,050 के आसपास खुलेगी, यानी कि उसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल सकता है। तो निफ्टी में क्या हो सकता है, मंडे को जैसे ही खुले वहां पे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल सकता है, अगर थोड़ा भी गिरावट आई तो भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकते हैं, फिर से ऊपर जा सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है कि पहले उसको ट्रेंड लाइन का तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखोगे तो एडीएक्स ओपन करके रखा है, अपने एडीएक्स भी यूज करते हैं, बाय ऑन डिप एडीएक्स होता है तो एडीएक्स भी यूज करते हैं। एडीएक्स क्या दिखाता है, जब भी 25 के ऊपर उसकी वैल्यू होती है तो स्टॉक मोमेंटम में होता है, या तो अपसाइड या तो नीचे की साइड। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से एडीएक्स की वैल्यू कितनी जा रही है, 20 के नीचे धीरे धीरे जा रही है। तो निफ्टी अभी आने वाले 1-2 वीक क्या हो सकता है, साइडवेज रह सकता है। तो अपने को जैसे कि ऊपर से अभी नीचे आ रही है, तो साइडवेज में क्या होता है नीचे से फिर से ऊपर जाती है, फिर से ऊपर से नीचे आती है, ऐसे ऐसे ट्रेड कर सकती है।
इसीलिए आने वाले वीक के लिए आपको करना क्या है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास निफ्टी मिलेगी आपको, वहां पे आपको बाय करना है। और ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट कैंडल लिया था बैक टू बैक 3 दिन से, वो आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा। ज्यादा लॉजिक लगाने की बात नहीं है, मैं आपको क्लियर कट लेवल बता रहा हूँ, उसके हिसाब से ही आपको बाय करना है। तो अभी देखो निफ्टी 17,030 पे आपको बाय करना है, 17,030 पे आपको बाय करना है, 16,940 का स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि ये जो लास्ट स्विंग लिया था ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास, वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा, और आपको 17,030 पे ही बाय करना है। देखो सबका लेवल रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, मैं 17,030 पे इसीलिए बाय कर रहा हूँ, उससे क्या है कि मेरा रिस्क कम हो जाए। अगर निफ्टी समझो 17,050 या 60 पे ओपन होती है, वहां पे भी आप बाय कर सकते हो, तो वो आपके हिसाब से। मैंने आपको फिक्स स्टॉप लॉस बता दिया 16,940, जैसे ट्रिगर होगा तो अपने उसमें से एग्जिट करेंगे, वेट नहीं करेंगे, डेली क्लोज का वेट नहीं करेंगे। तो 16,940 अपना फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा, 17,030 पे मैं बाय करूंगा। आपको जैसे बाय करना है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 100 पॉइंट का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो आप 17,040 पे बाय कर सकते हो। अगर कोई सोचे कि मैं 120 का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप कॉल बाय करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, पुट पुट को सेल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो निफ्टी का अपना व्यू क्लियर कट हो गया, 17,030 पे बाय करना है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, फिर से रिवर्स मार के ऊपर चली जाएगी। और ऊपर कहाँ तक जा सकती है, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे उसने एक बार रिजेक्शन लिया, यहाँ से अभी रिजेक्शन मार के नीचे आ रही है, तो ये लेवल उसका रिजेक्शन एरिया हो सकता है। कौन सा, 17,300 और 17,400 का लेवल उसका क्या हो सकता है, रिजेक्शन एरिया हो सकता है। तो आपको करना क्या है, अभी टारगेट आपको 17,300 और 400 तक की लगाना है, वहां पे फिर से पॉज मार सकती है, फिर से नीचे आ सकती है, क्योंकि एडीएक्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि साइडवेज रह सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो आपको इसमें प्ले करना है। तो टाइम पीरियड 1 से 7 दिन का लगाया है, 17,030 पे आपको बाय करना है, 17,300 और 400 के टारगेट आ सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप क्या करते हो, कॉल भी बाय कर सकते हो। बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता कि अभी बाय ऑन डिप यानी कि क्या होता है, कि बाय ऑन डिप यानी कि ऊपर जाना है, तो आपको कॉल ही बाय करना है या तो पुट सेल करना है, दो ही ऑप्शन है, उसके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे बाय करते हैं। तो ये अपना निफ्टी का व्यू हो गया, अभी अपने चलेंगे स्टॉक के बारे में बताऊंगा, उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा स्नाइडर इलेक्ट्रिक। स्नाइडर इलेक्ट्रिक को आपको क्या करना है, बाय करना है। बाय करने का अपने लॉजिक देख लेते हैं, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। देखो यहाँ पे डेली चार्ट है, स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हो, स्नाइडर इलेक्ट्रिक स्टॉक का नाम है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्नाइडर इलेक्ट्रिक स्टॉक का नाम है। सीएमपी कितना है उसका, 174.35 है। पहले हमने देख लेते हैं कि कौन से सेटअप के हिसाब से इसको बाय करेंगे। तो पहला रीजन है रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, दूसरा रीजन है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और तीसरा रीजन है बाय ऑन डिप विथ एडीएक्स। तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या होता है, तो आपको पता ही, अपने जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, स्टॉक ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है, फिर से रिटेस्ट करने यहाँ पे आता है। एग्जैक्ट यहाँ पे ही उसने क्यों सपोर्ट लिया, क्योंकि उसका पहले ही रिजेक्शन नहीं रहा था। तो ये होगा, ये उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके सपोर्ट कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही जाता है, तो ये सेटअप जो भी है यानी कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला सेटअप कंफर्म हो जाता है। अगर उसका रिटेस्ट कैंडल का लो ब्रेक करते करते नीचे चला जाता है, तो वो इनवैलिड सेटअप होता है, उसमें आपको बाय नहीं करना। तो ये रिटेस्ट कैंडल अपने को ये मिल गई, उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर किसी ने यहाँ पे तो बाय नहीं किया समझो, और पोजिशन बना के रखी और स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लेवल तो फिक्स है, ये वाला ही रहने वाला है, तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। कोई बोले कि मैं और सस्ते में बाय करूंगा, तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन जितना सस्ते का वेट करोगे उतना मौका कम मिलेगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा रीजन कौन सा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो डेली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पे भी उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा था, और एग्जैक्ट उसने यहाँ पे फ्राइडे को ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास क्लोज दिया है। तो अभी ये स्टॉक यहाँ से गिरने के बहुत कम चांस हो गए हैं। और तीसरा मेन रीजन बाय ऑन डिप विथ एडीएक्स, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको समझा देते हैं, बाय ऑन डिप विथ एडीएक्स क्या होता है। एडीएक्स और विलियम्स आर अपने यूज करते हैं, जब भी एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है और विलियम्स आर की वैल्यू -80 आती है, तो वो क्या होता है, स्टॉक का लास्ट स्विंग है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू देखोगे तो -80 के ऑलमोस्ट आसपास है, तो अपने मान सकते हैं कि मंडे को मे बी थोड़ा सा नीचे खुले तब इसकी वैल्यू -80 आ जाएगी, और फिर से यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर जा सकता है। तो आपको इस स्टॉक को अभी ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, बाय ऑन डिप विथ एडीएक्स भी है, तो यहाँ पे इस स्टॉक को मौका बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा से ज्यादा 1% या 2% स्टॉक गिर सकता है, उससे ज्यादा नहीं गिर सकता है। तो आपको इस स्टॉक को बाय करना है, फिर से स्टॉक अच्छी रैली दिखा के ऊपर जाने के बहुत हाई चांस है,
इसको आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक भी बोल सकते हो, क्योंकि स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा। तो अभी ये बायर क्या करना है आपको, सीएमपी पे नहीं बाय करना है, ओपन प्राइस पे, क्योंकि फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस था, अभी मंडे को मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मे बी ये स्टॉक 1-2 रुपीज नीचे खुलेगा, तो आपको वहां पे बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 168 का, जो रिटेस कैंडल का लो वो आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट बहुत अच्छा है, 180 और 190 के टारगेट 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। 1 से 7 दिन पोजीशन बना के रखनी है। टेलीग्राम पे मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे नहीं, 1-2 लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर अभी क्या करो, स्टॉक में लॉस चल रहा है, एग्जिट हो जाओ कि नहीं हो जाओ। तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है, पूरा समझना है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। 1 से 7 दिन जब तक स्टॉप लॉस होता नहीं है तो टारगेट आता नहीं, आपको पोजिशन बना के ही रखनी है। 1 से 7 दिन में कहीं ना कहीं टारगेट या स्टॉप लॉस अचीव हो सकता है। तो अपना पहला स्टॉक हो गया स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जो आपको बाय बाय एट ओपन प्राइस ही कर रहे हैं, और 168 का स्टॉप लॉस लगाना है। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है ईआई होटल। ईआई होटल अपने को थर्सडे को भी बाय कॉल दिया था, 188 के ऊपर बाय करना था, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो अपना लेवल इतना अच्छा होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो वो 2 दिन से वो स्टॉक लेवल क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। ये जो 1 कैंडल का आपने ये वेनसडे को बनाई थी, थर्सडे को आपने बोला था कि इसके ऊपर बाय करना है, लेकिन गया नहीं था। उसके बाद फ्राइडे को भी देखो तो 188 के ऊपर गया ही नहीं था, 5-10 पैसे से स्टॉक रह जाता था, यानी कि ये जो कैंडल है उसका हाई और लो ब्रेक ही नहीं हो रहा, 2 दिन से इनसाइड बारी बना रहा है। तो अभी इसको भी फिर से बाय करने का ट्राई करेंगे। तो स्टॉक का नाम देख सकते हो ईआई होटल, स्टॉक का नाम है, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। बाय करने का रीजन क्या है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाय ऑन डिप विद एडीएक्स है। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आप डेली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा था, सीधा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, तो 2 बार ही सपोर्ट है, यानी कि 50-50 चांस हो सकता है। अपने को 3 बार होता तो अपने एकदम एक्यूरेट हो जाते, लेकिन अपने ये सेटअप के भरोसे अपने इसको बाय करने का ट्राई करेंगे। बाय एंड डिप विद एडीएक्स, एडीएक्स की वैल्यू जब भी 25 के ऊपर होती है, विलियम सार की वैल्यू -80 आती है, तो वो स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है। ये स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है, स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर जाने के लिए रेडी होता है। तो अभी आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि मैंने बता दिया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाय एंड विद डिप विद एडीएक्स है। तो अभी ईआई होटल को आपको करना क्या है, तो अभी आपको सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना, कंडीशनल बाइंग करना है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक कर क्या रहा है, 2 दिन से ये लेवल से रिजेक्शन मार रहा है। तो अभी सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना, 1 मिनट गाइस। तो सीएमपी कितना है, 182.25 है, बाय अबो 188 के ऊपर ही बाय करना है, 181 का स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट बहुत अच्छा है 195, 200 का टारगेट, टाइम पीरियड 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो आपको बाय करना है, और इसका जो स्विंग ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये अपना दूसरा स्टॉक होगा ईआई होटल। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है कैंपस एक्टिवेयर। कैंपस को आपको बाय करना है, बाय करने का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है कैंपस एक्टिवेयर, और यहाँ पे बाय करने का रीजन क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पॉसिबल है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप डेली चार्ट में देखोगे तो जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है, ये सेटअप पे भी अपने सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी, यानी कि मल्टीपल टाइम आप देखोगे तो 4 से 5 बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर से भी देखोगे तो डाउन ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, रिजेक्शन मार रहा है, और फाइनली फ्राइडे को भी उसने ट्रेंड लाइन यानी कि ट्राइंगल का रिजेक्शन मार के रेड कलर में यहाँ पे क्लोज दिया है। तो जैसे ही मंडे को ये लेवल उसका रिजेक्शन कैंडल लास्ट वाला हो गया है, रिजेक्शन कैंडल वो जैसे ही ब्रेक होता है तो स्टॉक में फिर से बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखा के स्टॉक फिर से ऊपर भाग सकता है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये रेड कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो सीएमपी कितना है, 589.95 है। तो अभी सीएमपी पे बाय नहीं करना, कंडीशनल बाइंग करना है, यानी कि रिजेक्शन कैंडल का हाई के ऊपर ही बाय करना है। आपको बाय करना है बाय अबो 598, 598 के ऊपर बाय करना है, 585 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 630 और 650 के टारगेट, 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन आपको कंडीशनल बाइंग करना है, वो भी ध्यान में रखना है। तो ये अपना तीसरा स्टॉक होगा कैंपस एक्टिव है, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पॉसिबल है, अभी हुआ नहीं है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है शांति गियर।
शांति गियर एक ऐसा स्टॉक है जो आपका बाय ऑन डिप करना है। बाकी के तीनों स्टॉक मैंने आपको कंडीशनल बाइंग बताया, लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ऑलरेडी उसका स्विंग हो चुका है, तो आपको इसको बाय करना है। तो अभी मैं आपको कहाँ पे बाय करना है, तो 2 घंटे की कैंडल के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम देख सकते हो, शांति गियर स्टॉक का नाम है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो पहला रीजन क्या है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो 2 घंटे की कैंडल में आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक कर क्या रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ से गया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, फाइनल ब्रेकआउट देके ऊपर गया और यहाँ पे रिटेस्ट करने का पे आया, यहाँ पे आया, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से डिमांड जोन बना रहा है, यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है और यहाँ से स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक को पहले, ये तो स्टॉक का क्या था, पहले सप्लाई जोन था स्टॉक का, ये कहीं ना कहीं डिमांड जोन बन सकता है, ये एरिया स्टॉक का क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसका डिमांड जोन ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ पे फिर से स्टॉक आ सकता है। उससे पहले उसको क्या है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आप देखोगे तो यहाँ पे उसने 2 घंटे की कैंडल में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम उसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और अभी सपोर्ट नहीं ये लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में आने वाले 1 या 2 दिन में उसको स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, फिर से स्टॉक से यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हो गया तो भी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड जोन में फंस सकता है, फिर से रिवर्स मार के ऊपर जा सकता है। तो बहुत हाई चांस है कि स्टॉक नीचे गिरने के बहुत कम चांस है, ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस है। तो शांति गियर अभी CMP कितना है, 360 के आसपास है, तो अभी बाय करना है नहीं बाय करना, आपको ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास बाय करना है, यानी कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे आएगा तो 355 का उसका प्राइस होगा, उसके आसपास आपको बाय करना है। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हो गया तो भी आपको 350 के आसपास फिर से बाय करना है और फिर से ऊपर जाएगा। तो आप अभी, मैंने बाय और डिप दो प्राइस दिए, 355 और 350, तो आपको कैसे बाय करना है, समझो आप 10,000 रुपीज, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझो 10,000 रुपीज के स्टॉक लेना चाहते हो तो पहले 5,000 के 355 पे लो और 5,000 के स्टॉक 350 पे लो, तो क्या एवरेज आपका 352.5 जितना हो जाएगा, 352.5 आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा। और स्टॉप लॉस लगाना है 338 का, यानी कि ये जो उसका डिमांड जोन का लास्ट लेगे 338 के आसपास, वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्टॉक में बारीक गिरावट भी आ गई तो भी वो यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्स मार के फिर से ऊपर जा सकता है। तो आपको बाय करना है SIP मोड में, यानी कि 2 बार बाय करना है और 338 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की साइड फिर से स्टॉक 370 और 380 के लेवल, वो भी 1 से 7 दिन में फिर से दिखा सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो शांति गियर एक ऐसा स्टॉक है जो आपको SIP मोड में 2 बार बाय करने का ट्राई करना है। तो गाइज, मैं आपको जो भी लेवल बता रहा हूँ और जिस तरह बता रहा हूँ उसी तरह आप अगर बाय करोगे डिसिप्लिन के साथ, तो आप मार्केट से बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ लेवल देख लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ क्या वो सब सुनते नहीं है, लेवल देख के वीडियो स्किप करके फिर पता नहीं वो बाय करके फिर पूछते हैं कि अभी क्या करें, इसमें एग्जिट करें कि नहीं करें। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि मैं जो लेवल बता रहा हूँ उसके हिसाब से ही आपको बाय और सेल करना है। तो मैंने गाइज आपको टोटल 4 स्टॉक बताया, पहले निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। निफ्टी में बाय ऑन डिप करना है, जो मेरा लेवल है 17,030 पे आपको बाय करना है, 16,940 का स्टॉप लॉस लगाना है, सिंपल है, कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टॉक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जो क्या करना है, ओपन प्राइस पे ही बाय करना है। ओपन प्राइस यानी कि बहुत अच्छा स्टॉक है, ज्यादा गिरने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ से आराम से वो रिवर्स मार के ऊपर जा सकता है, तो ओपन प्राइस पे बाय कर सकते हो। EI होटल एक ऐसा स्टॉक है जो आपको कंडीशनल बाइंग करनी है, वो भी ध्यान में रखना है। कैंपस एक्टिवेयर को भी कंडीशनल बाइंग करनी है और शांति गेट को बाय ऑन डिप करना है। तो चारों स्टॉक और निफ्टी का भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लेवल के साथ डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस होता है तो आपको उसमें से एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जितना हो सके उतना कमेंट करके मेरे को मोटिवेट कर सकते हो। उससे क्या है कि मेरे को और भी वीडियो बनाने के मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे स्ट्रेटजी और वीडियो लेके आता रहूँगा। और गाइज प्लीज, अगर टेलीग्राम है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।